देखो बच्चों, नवोदय में ये प्रश्न इस टाइप के भी आते हैं और क्लास फिफ्थ में आते हैं। इसमें आते हैं क्लास फिफ्थ में, नवोदय में भी ऐसे आएंगे और आगे आएंगे। तो सुनो, यह दिया है पहला सवाल, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, हल कर रहे हैं। पहला, मिश्रित धन कितना दिया? 600। मिश्रित धन दिया है 600। आवाज नहीं, 600 रुपया। और मूलधन कितना दिया? 400 बराबर 400। इसे बोलते हैं अमाउंट ए। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पी। पूछ क्या गया? ब्याज। क्या पूछ रहे? ब्याज। ब्याज को बोलते हैं आई। इक्वल वाट, वाट मानी क्या, ये ज्ञात करना है। क्या करना है इसको? तो फार्मूला लगा दो, एक फार्मूला ध्यान रखो बस, ये फार्मूला याद करने के लिए है, पी प्लस आई, ये फार्मूला याद रखो बस, पी प्लस आई। ए का मतलब मैंने लिख दिया हिंदी में, लो मिश्रित धन शॉर्ट में लिख दिया है, बराबर मूलधन शॉर्ट में लिखा है, प्लस ब्याज, प्लस अब जो चीज यहां दिख रही है, जो गिवन है, ये दिया है, ये दिया है, मिश्रित धन कितना दिया है? 600। यहां रख दो, रख लोगे? मूलधन कितना दिया है? 400। बोलो यहां तक किसके समझ में आया? आई पूछ रहा है बस, ये आई पूछ रहा है। अब इसको स्टेप को कैसे हल करेंगे ये ध्यान दो, जब कोई भी अंक बराबर से इधर आता है तो ये वाला अंक माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। तो आई बराबर, आई का मतलब ब्याज, ब्याज बराबर ये ब्याज है, फिर कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारा, ब्याज बराबर हो जाएगा इस बड़े वाले अंक में से 400 घटा दो, कितने घटा दिए? 400। कितना बचा? 200। ये आंसर हो गया। बोलो किसके समझ में आया? समझ में आ गया? दूसरा समझ लो, ये भी इसी तरह का है, दो चीजें भी हैं यहाँ पर भी। फिर यही फार्मूला लगाओगे, मिश्रित धन बराबर शॉर्ट में लिख रहे हैं, दूसरा सवाल है, धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है? मिश्रधन कितना दिया है यहाँ? 800। देख लो जी, 800 दिया है। दूसरे सवाल दिया है, मूलधन कितना दिया? 450। क्या पूछ रहे हैं? ब्याज। फिर इसको ले लो, इसको घटा दो, 800 माइनस 400 बराबर ब्याज, घटाओ कितना आएगा? 350। ये हो गया बच्चों ब्याज आंसर, यहाँ पर ये आंसर। समझ में आ गया सबके? कर लोगे बस तरीके से? थैंक यू वेरी मच।